गाइज आज के इस वीडियो में हम रोमन रेंस, बॉबी लैशली, द रॉक समेत कई रेसलर्स की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। तो सबसे पहले बात कर ली जाए द रॉक की, तो ब्रावा बुल हमें WWE के अंदर फिर से देखने को मिल सकते हैं। दरअसल न्यूज ये है कि अगली बारी की रॉ के अंदर जो कि होने जा रही है मायामी फ्लोरिडा में, वहां दोस्तों द रॉक एक छोटे से सेगमेंट का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मायामी उनका होम टाउन है। साथ ही साथ दोस्तों जिसके साथ उनका सेगमेंट है वो उन्हें कई बार टॉन्ट मार चुका है ट्विटर के ऊपर, और उसका नाम है एलायस। तो गाइज वहां वो सिर्फ एक सेगमेंट के लिए हमें फिर से WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वो वहां फाइट करने आएंगे, क्योंकि यहां द रॉक काफी ज्यादा बिजी है, एक दर्शन भी काफी है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी न्यूज की, जो कि जुड़ी हुई है जॉन सीना और अंडरटेकर की फाइट से। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना और अंडरटेकर के बीच में समर स्लैम के अंदर रीमैच हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये कोई पुख्ता खबर नहीं थी, मैंने बताया था ये एक रूमर है, और इसी रूमर का अंत आज किया दोस्तों रिंग साइड न्यूज ने। रिंग साइड के ब्रैड शेपर्ड का कहना यह है कि ये जो रूमर है ये सरासर एक फेक रूमर है, और यहां ये फाइट नहीं होने वाली है, क्योंकि जॉन सीना और अंडरटेकर में से किसी को अभी तक बुक यानी कि लॉक नहीं किया गया है समर स्लैम के लिए। तो गाइज ये रही दो न्यूज। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी न्यूज के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइज रोमन रेंस ने क्या कहा बॉबी लैशली को, या आप में से 75% लोग जानना चाहते होंगे। तो गाइज कल यानी कि कल की रॉ के खत्म होने के बाद जब उन्होंने बॉबी लैशली को हराया, तो उसके बाद बॉबी लैशली ने ट्विटर के ऊपर उन्हें शुभकामनाएं दी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां बॉबी लैशली ने यह भी बताया कि मैं स्ट्रांग बनकर फिर सर लौटूंगा। तो गाइज ये बॉबी लैशली का कहना था। इस पर रोमन रेंस ने क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां रोमन रेंस का कहना ये था कि बॉबी लैशली तुमने रॉ का मेन इवेंट ऐसे ही नहीं पाया, तुमने उसके लिए कड़ा संघर्ष किया था, लेकिन समर स्लैम में मैं जा रहा हूं और यूनिवर्सल टाइटल मैं ही ला रहा हूं। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने हैशटैग मायार्ड, हैशटैग B2R यानी ब्लू टू रोमन भी लिखा। इस पोस्ट से साफ पता चल रहा है दोस्तों कि रोमन रेंस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने समर स्लैम के मैच के ऊपर, जो कि होने वाला है उनका ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। आपका क्या कहना है दोस्तों यहां रोमन रेंस के इस कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे रोमन रेंस को, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे वहां ब्रॉक लेसनर को, अपना अपना कमेंट दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना मत भूले। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।